हेलो दोस्तों, आज का वीडियो कोई टेक वाला नहीं होने वाला है। आज वीडियो जो होने वाला है मनोज दे भाई के ऊपर होने वाला है, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था 22 अक्टूबर को शाम 6 साढ़े 6 के बीच करीब में, 6:30 करीब में अपलोड किया था। जो उन्होंने बातें बताई थी वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा कि वो कि छोटे बड़े यूट्यूबर से भेदभाव नहीं करते हैं और क्या कैसे। अब वीडियो में एक दिखा रहा हूँ क्लिप, आप वीडियो देख लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं मनोज दे भाई के बारे में किस टॉपिक पे। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, स्मॉल क्रिएटर्स को भी फॉलो करता हूँ। स्मॉल क्रिएटर्स का मतलब मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो यूट्यूब पे नए हैं, जिनका यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स कम है, उनका वीडियो देखना कि बहुत कोई नहीं देखता है, सब नहीं देखता है। तो कई ऐसे भी यूट्यूब क्रिएटर हैं जिनका सब्सक्राइबर बहुत कम हो, आज मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर और किसी का 10K सब्सक्राइबर है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ज्यादा नॉलेज है और उसका कम नॉलेज है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके 10K सब्सक्राइबर थे लेकिन उसका मेरे से कई गुना ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, ये सब बोलने में मैं कभी कतराता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत कोई की ईगो में लगता है कि नहीं मैं ऐसा क्यों बोलूँ, मैं बहुत बड़ा क्रिएटर हूँ, ये ऐसा मैं कभी सोचता ही नहीं। मैं छोटे बड़े क्रिएटर सबका वीडियो देखता, चाहे वो 2000 सब्सक्राइबर वाला अगर कोई यूट्यूबर या फिर 2 मिलियन वाला, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ से कुछ सीखने को मिलता है वहाँ से वीडियो देख लेता हूँ। तो ऐसे में गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कई ऐसे क्रिएटर होता है जिनका सब्सक्राइबर बेस भले कम है लेकिन उनका वीडियो टॉपिक बहुत अच्छा होता है, मुझे कौन सी बातें सबसे ज्यादा अच्छी लगी, तो चलिए मैं अपना आप बताता हूँ। नंबर 1, मनोज दे भाई ने अपने वीडियो में यह कहा कि छोटे बड़े यूट्यूबर का मैं सभी का वीडियो देखता हूँ, ये नहीं कि छोटा यूट्यूबर है तो उसे नॉलेज कम है। ये जैसे दोस्तों मान लीजिए हम तो वीडियो बनाते हैं, हमसे बड़ा यूट्यूबर है 1 मिलियन वाला, उसके पास नॉलेज है। मान लीजिए हमसे छोटा कोई 50,000 सब्सक्राइबर है, 30,000 सब्सक्राइबर है, तो उसके पास भी नॉलेज है दोस्तों, उससे अच्छा भी होगा। तो इसलिए वीडियो सभी का देखना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब मनोज दे भाई ने एक बात और बताई थी, जैसे कि मैं सभी का कमेंट रीड करता हूँ, चाहे छोटे यूट्यूबर का हो बड़े यूट्यूबर का हो, सभी का देखते हैं क्या ज़रूरत है उसमें कमेंट में, पब्लिक ऑडियंस क्या मांग रही है, क्या देखना चाहती है, किस पे उनको प्रॉब्लम आ रही है। अब नंबर 2 की बात की जाए तो दोस्तों मनोज दे भाई ने यह बताया कि सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि एक्टिव रहने का मतलब है दोस्तों कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर सबसे पहले पोस्ट होता है उनका वीडियो। तो वीडियो नंबर 3 की बात की जाए तो दोस्तों मनोज दे भाई ने ये भी बताया कि बड़े यूट्यूबर जो हमसे सक्सेस हुए हैं उनका चैनल पे जाएं और पुराना वीडियो देखें, स्क्रॉल करें, 1 साल 2 साल पुराना वीडियो देखें, वो पहले कैसे बनाते थे, अब कैसे बनाते हैं, कैसे ग्रो हो गए। तो चलिए वीडियो में आपको हम आगे दिखाते हैं एक और टॉपिक। आई होप ये दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर मनोज दे के बारे में आप क्या अच्छाई जानते हैं और क्या उनके बारे में इंटरेस्टिंग बात जानते हैं आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों मैं एक चैनल प्रमोट करूंगा, हम सब मिलकर यूट्यूबर, छोटे यूट्यूबर जितना है प्रमोट करने के लिए, वो अपने मेरे कमेंट बॉक्स में आके लिख सकते हैं और उस पर मैं एक अलग से टॉपिक से वीडियो बनाऊंगा, तो उस पर सब लोग मिलकर टॉपिक का बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।